इस वीडियो में हम देखेंगे अब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंस्ट्रक्शंस जो भी आपके एडमिट कार्ड पर दी गई हैं, तो जो भी आपके एडमिट कार्ड पर इंस्ट्रक्शंस देखी हैं, जो दी गई हैं, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को लेकर क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं, मैंने कंप्यूटर टेस्ट का पूरा डेमो लेके पूरी वीडियो बनाई है जहाँ पर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। और इस वीडियो में आप जो एनवीएस की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ड्यूरेशन जो एग्जाम का है वो आपको पता ही होगा, अगर आप एनवीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 180 मिनट्स का है। क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, क्लॉक हमेशा सर्वर पर सेट होती है, एक साथ ही सबका स्टार्ट होता है, एक साथ ही बंद होता है। काउंटडाउन टाइमर इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन विद डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर यू कम्प्लीट द एग्जामिनेशन। यहाँ से राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपका होता है और राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपका टाइम चलता है और वो घटते हुए क्रम में चलता है, यानी कि वो आपको बताता है कि कितने मिनट्स आपके पास रिमेनिंग है। When the time reaches zero, जब टाइम का जो टाइमर है वो जीरो पे रीच कर जाएगा तो एग्जाम जो है वो आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि आपके 180 क्वेश्चन हुए या नहीं, 180 मिनट होते ही टाइमर जीरो हो जाएगा और आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। You will not be required to end or submit your examination. अगर आपने 180 मिनट से आप ज्यादा ही ले रहे हो तो आप कोई भी सबमिट या एंड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा जैसे ही टाइमर जीरो होगा। अब हर एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन पायलट होते हैं जो यहाँ पर भी दिए गए हैं जो दिखाई देते हैं। तो ग्रे कलर होता है कि अभी तक आपने उस क्वेश्चन को छुआ ही नहीं है, आपने वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, उस क्वेश्चन तक आप गए ही नहीं हो, ठीक है। रेड यानी कि आपने उसको आंसर ही नहीं दिया है, स्टॉप। ये रेड स्टॉप से साइन से समझ लीजिए कि स्टॉप यानी कि आपने उसका आंसर नहीं दिया है, तो आप एक बार देख लीजिए। ग्रीन आपने आंसर दे दिया है तो उस पर आपका ग्रीन हो जाएगा। पर्पल कलर होगा अगर आपने आंसर नहीं दिया है और आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, पर्पल कलर इज फॉर रिव्यू ईयर। अगर आपने आंसर नहीं दिया और आपने रिव्यू के लिए छोड़ा है उसको तो आपका वो पर्पल कलर होगा। अगला है पर्पल कलर और प्लस में यहाँ पे टिक निशान या यहाँ पे जो भी टेक्स्ट बन के आ रहा है इस तरीके से आएगा, इसका मतलब है कि आपने आंसर तो दे दिया लेकिन साथ में मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। मार्क फॉर रिव्यू को अगर आपने आंसर देके किया है तो उस केस में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप मार्क फॉर रिव्यू वाले में से उसको आंसर को सेव करके नहीं हटाओगे रिव्यू वाला तो आपको उसके लिए आंसर नहीं मिलता है। तो द मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस ऑफ ए क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट्स दैट यू वुड लाइक टू लुक एट द क्वेश्चन अगेन। इसका मतलब क्या है कि आपने आंसर दे दिया लेकिन आप उसको फिर से देखना चाहते हो उस क्वेश्चन को। If a question is answered and marked for review, your answer for that question will be considered in evaluation. So, यहाँ पे है आपका उल्टा है, तो NVS के केस में आपका जो क्वेश्चन है अगर आपने आंसर दिया है वो मार्क फॉर रिव्यू है तो आपको वो आंसर माना जाएगा, कंसिडर्ड किया जाएगा इवेल्यूशन में। नेविगेशन टू द क्वेश्चंस, नेविगेशन के लिए आपका क्या क्या होता है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर पर क्लिक किया है तो क्वेश्चन पैलेट से भी आप डायरेक्टली जा सकते हो। यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में क्वेश्चन पैलेट होता है जहाँ पे आपके सारे नंबर्स होते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन नंबर पर क्लिक करेंगे तो आप उस क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपका जो आंसर है वो सेव हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को बिना सेव के नेक्स्ट कर दोगे तो आंसर आपका सेव नहीं होगा। ये इस तरीके से समझ लीजिए, जब भी हम केबीसी खेलते हैं तो क्या होता है, लॉक कर दिया जाए, तो आपको लॉक करना है अपना आंसर सेव एंड नेक्स्ट करके, तभी वो सेव होगा, ठीक है। अगर आपको मार्क फॉर रिव्यू छोड़ना है तो मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट आप कर सकते हैं। अगर आप आंसर देके मार्क फॉर रिव्यू छोड़ेंगे तो वो टेक्स्ट बन के आ जाएगा पर्पल कलर पे, यानी कि आपके रिव्यू के लिए, ठीक है। Note that your answer for the current question will not be saved if you navigate to another question directly. यानी अगर आप without saving चले जाओगे तो आपका answer save नहीं होगा। अब answer करना आपको question का तो उसका क्या procedure है? आपको select करना है answer पर, click करना है कोई भी option पर। Options क्या क्या होंगे आपके, यानी कि अगर आपको एक option पर आप click कर देंगे तो वो आपका answer हो जाएगा। चार option मिलेंगे, चार में से आपने एक पर click कर दिया तो आपका option हो गया। अब अगर आपको सेलेक्ट करना है जो आपने आंसर दिया है वो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे हटाना है, तो या तो नीचे एक टैब होती है क्लियर रिस्पांस की, आप वहां पे जाकर कर दीजिए क्लियर रिस्पांस, या फिर वहां पे डी सेलेक्ट होता है यानी कि आप उसी पे दोबारा सेलेक्ट कर दीजिए तो वो चला जाएगा। टू चेंज योर चोजन आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ अनदर ऑप्शन, सिंपली